योजना को क्रियान्वित करती है, ठीक है, यानी जो उनका जो खर्च होता है इन दोनों को वहन करना पड़ता है। किसी किसी योजना में गवर्नमेंट कोर स्कीम के तहत 60:40 का रेशियो रखा जाता है, ठीक है, यानी 60% जो होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% जो होगा वो कौन वहन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है दोस्तों। और किसी किसी योजना में 90:10 का भी होता है, 90:90 सबके प्यास तो नहीं लगल, जाके पानी भी पी सकत रहे लोग, अगर प्यास लागल होके तो कि लागल बा, चल ठीक बा, मेहनत मोटिवेशन की जरूरत नहीं वो अब कि जरूरत बा, चल लोग चलिए 90:10, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे थे कि मोटिवेशन आपको कोई नहीं दे सकता है जब तक अगर आप अपने घर को देख रहे हो, अपने फैमिली को देख रहे हो, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है दोस्तों। यानी हम लोग परिचर्चा कर रहे थे कि गवर्नमेंट कोर स्कीम जो था 60:40 का रेशियो होता है और किसी किसी स्कीम में 90% जो वहन करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% जो वहन करेगी उस स्कीम के तहत यानी राशि का जो वहन करेगी वो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम का क्या अर्थ होता है, इसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो व्यय होता है यानी खर्च होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है यानी केंद्र सरकार, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई, दो तरह की स्कीम होती हैं, एक गवर्नमेंट कोर स्कीम और एक कौन सी होती हैं, सॉरी, एक गवर्नमेंट कोर स्कीम और एक होता है अपना गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। गवर्नमेंट कोर स्कीम के तहत दो तरह से विभाजित किया जाता है रेशियो को, 60:40 और 90:10 का। और गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत पूरा का पूरा जो वहन करती है वो राज्य सरकार करती है। चलिए अब हम लोग योजनाओं पर चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भर पहली जो योजना है जो कि इम्पोर्टेंट है, योजनाएं तो वैसे 50, 60, 100, 150 योजनाएं बनती हैं, ठीक है, 150 से 200 भी योजनाएं प्रत्येक वर्ष क्रियान्वित हो जाती हैं, लेकिन उसमें से हमको इम्पोर्टेंट 20-25 या 30 हार्डली मैं 30 योजनाओं की परिचर्चा करूंगा अपने लाइव क्लासेस के थ्रू, अपने ऐप के थ्रू। तो आप ये फेथ रखिए कि उसी के अंदर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ से आपको कंडक्ट करवाऊँगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार ABRY, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है जी। इस योजना की सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक में बताते चल रहा हूँ, इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 20 नवंबर 2020 को, 20 नवंबर इम्पोर्टेंट क्या बनेगा क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब शुरू किया गया, तो 20 नवंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका जो मेन आत्मनिर्भर भारत का जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि कोविड काल में यानी कोरोना वायरस जब आया ना, उस समय बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया, उस रोज़गार को बढ़ाने के लिए, उस रोज़गार में लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। जैसे मान लो कोई रोज़गार नया नियुक्ति लगा, उसका रोज़गार छीन गया, उन व्यक्तियों को बचाने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। ठीक है जी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार को बढ़ावा देना। एक क्वेश्चन यहाँ से बोलेगा इसका उद्देश्य क्या है, तो रोजगार को बढ़ावा देना। इस योजना को इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनेगा, इस योजना का ऐलान, इस योजना का ऐलान वित्त मंत्री कौन है जी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण, रमन जी द्वारा इस योजना को ऐलान किया गया, इस योजना का ऐलान किया गया। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि संगठित क्षेत्र में नौकरियों के अवसर पैदा करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यानी क्या है, संगठित जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे इस योजना को हम लोग योजना में के अंतर्गत संगठित क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है जी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नई नियुक्तियाँ करने वाले एम्प्लॉयज़ को सब्सिडी देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब याद रखिएगा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, रोजगार देना, सब्सिडी देना एम्प्लॉयज़ को। इस योजना के तहत 2 साल के लिए एम्प्लॉयज़ के पीएफ फंड को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस योजना के तहत पीएफ को 2 साल के लिए केंद्रीय सरकार वहन करेगी, यानी प्रोविडेंट फंड। पीएफ होता है ना, पीएफ कटता है, तो उसका जो पीएफ अभी तक जो इसका जो 2 साल के लिए जो पीएफ देगी वो कौन देगी, केंद्र सरकार। ठीक है, इसमें क्या होगा, पीएफ में एम्प्लॉयज द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान एम्प्लायर द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान के बराबर, यानी कुल कितने हो गए, यानी 12% कौन देगा, 12 + 12 यानी 12 देगा एम्प्लॉयज देंगे और 12% कौन देगा, एम्प्लॉयर। ठीक है जी, यानी टोटल 24% का योगदान रहेगा। ठीक है, कुल 24% हो गए। सब्सिडी सरकार की ओर से 2 साल के लिए एम्प्लॉयर्स को दी जा रही है। ईपीएफओ में वो हर नया कर्मचारी शामिल होगा, याद रखिएगा ईपीएफओ यानी ईपीएफओ के अंतर्गत वह प्रत्येक कर्मचारी सम्मिलित होगा। यानी ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉयज लिख लीजिएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ईपीएफओ के अंदर यानी इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ईपीएफओ के अंदर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या करेगी, जिसकी आय 15,000, याद रखिएगा जिसकी आय 15,000 से कम है, उन्हीं व्यक्तियों को ईपीएफओ के तहत इस योजना के द्वारा इस योजना में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और यह योजना जो है, इस योजना के तहत सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कि इस योजना पर कुल कितना खर्च किया जा रहा है, तो इस योजना पर 22,050 करोड़, याद रखिएगा 22,050 करोड़ इस योजना के तहत खर्च किया जा रहा है। अब चीज़ें समझ में आ गई, आत्मनिर्भर भारत योजना जो है कब इसकी शुरुआत हुई, तो 20 नवंबर 2020 को इस योजना को किसने क्रियान्वित किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ऐलान किसने किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इस योजना के तहत क्या होता है कि इसमें ईपीएफओ द्वारा प्रोविडेंट फंड के माध्यम से 2 साल के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, उनको वहन करेगी, जिसमें 12% एम्प्लॉयज का होगा योगदान और 12% एम्प्लॉयज का योगदान होगा। ठीक है जी, इस योजना को कुल
2022-23 तक योजना के तहत टोटल हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 22,050 करोड़ रुपये, याद रखिएगा। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन हम लोग बन सकता है कि EPFO की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि EPFO, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, EPFO, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, EPFO की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आप लिखिएगा 15 नवंबर 1951 को, ठीक है जी। अब पूछ देगा कि इसका उद्देश्य क्या था, EPFO की स्थापना तो 15 नवंबर 1951 को कर दिया गया, तो EPFO करता क्या है, तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, या फैक्ट्री हो या सरकार प्राइवेट संस्था हो, उसके भविष्य की जो होता है, उसके भविष्य का चिंता कौन करता है, यानी EPFO करता है, ठीक है। इसके लिए, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी 15 नवंबर 1951 को, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में हुआ है, ठीक है। इसका जन आरोग्य योजना, इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई है, याद रखिएगा 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहां से किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, कहां से किया गया, तो याद रखिएगा रांची झारखंड से इस योजना का शुभारंभ किया गया, रांची झारखंड। रांची किसके लिए विख्यात है बताइए, धोनी धोनी के लिए, चलो ठीक है। प्रधानमंत्री ने इसका मतलब जन आरोग्य की योजना की शुरुआत किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, कब किया गया, तो 23 सितंबर 2018 को किया गया, कहाँ किया गया, तो रांची झारखंड में किया गया। यह मिशन भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत यह योजना जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यह योजना किसके अंतर्गत आता है जी, यह योजना, यह सब टॉपिक है, यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह जो मिशन है, यह जो योजना है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह किसके अंतर्गत आता है, तो नेशनल हेल्थ मिशन पॉलिसी, कुछ भी कह सकते हैं मिशन, ठीक है जी। यहाँ तक बात हो गई कि जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को किया गया, इसके योजना की घोषणा किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, कहाँ किया गया, तो रांची झारखंड में। यह योजना किसके अंतर्गत आती है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस नोडल एजेंसी के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा किस नोडल एजेंसी, तो नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह योजना जो है, यह योजना किस, इस, यह योजना नेशनल नेशनल हेल्थ नेशनल हेल्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, हेल्थ एजेंसी, यानी ये क्या है, इसका नोडल एजेंसी है, यानी राष्ट्रीय
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसका नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ एजेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका नोडल एजेंसी कौन है अभी, तो नेशनल हेल्थ एजेंसी। ठीक है जी। इस योजना में सबसे बड़ी बात है कि इस योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। याद रखिएगा कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य मिशन योजना है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि विश्व की सबसे स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सबसे बड़ी विश्व में सबसे बड़ी योजना, बीमा योजना सबसे बड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बीमा योजना। ठीक है, बीमा योजना कौन सी है जी, आप लोग बताइए। योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है। क्वेश्चन बनता है इसके तहत, बीमा के तहत, इस योजना के तहत कितनी राशि दी जा रही है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य पॉलिसी यानी बीमा पॉलिसी के लिए? 5 लाख। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ये अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है जी। और प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा ये योजना का लाभ, यानी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति, याद मत कीजिएगा, प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति नहीं होगा, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है जी। यानी प्रधानमंत्री का क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए इसके इस योजना को कब क्रियान्वित किया गया, 23 सितंबर 2018 को। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया? रांची झारखंड में। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है। इस योजना का नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ एजेंसी। यह दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना कंपनी, वो मैंने लिख दिया है ऊपर में। और यह योजना पेपरलेस और कैशलेस होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि यह योजना जो है पेपरलेस और कैशलेस होगी, दोनों चीज़ होगा, ये पेपरलेस और कैशलेस होगी। बस आपको एक आईडी कार्ड बनेगा स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, उसी योजना के तहत आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल कितने बीमारियों का समावेशन किया गया है, तो 1300 प्रकार की बीमारी, यानी हमारे शरीर में 1300 प्रकार की बीमारियां हैं, फिर भी हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, 1300 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में है। समझो कि कितनी प्रकार की बीमारियां होंगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी यार। अभी तो 1300 प्रकार की बीमारियों का जो है ना, इसके अंतर्गत, इसी योजना के तहत लाभ आप ले सकते हैं। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे मत्स्य संपदा योजना। चीजें समझ में आ रही हैं? आप फेत रखिए कि जो भी योजनाएं करवाई जा रही हैं वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। मैं उन्हीं टॉपिक को करवाऊंगा जिसका एग्ज़ाम में वेट होगा, अदरवाइज़ एक्सेप्शनल जो भी एक्सिस्ट होंगे क्वेश्चंस उसको मैं छोड़ता चला जाऊंगा, क्योंकि सारे करवा देने के बाद करंट अफेयर का कोई मतलब रह नहीं जाता है। चीज़ें वही करवाई जाए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ से आपको करवाऊँगा। बस ये चीज़ है कि आपको बस विश्वास रखना होगा कि हाँ भाई, जो सर करवा रहे हैं यहाँ से हमको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने के बाद ये नहीं कि हमारे जब बच्चे सेलेक्ट हो जाएँ तो उस समय आप लेट हो जाएँ, आप क्लास छोड़ के चले जाएँ, ऐसा नहीं होगा। आप फेथ रखिए, क्वेश्चन से ही से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना की भी शुरुआत किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह योजना जो है वो भी आपको आत्मनिर्भर भारत का ही एक अंग है। इस योजना की शुरुआत लिख लीजिए, इस योजना की शुरुआत
सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यानी इस योजना की शुरुआत कब हुई? सितंबर 2020 में। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह योजना भी आत्मनिर्भर भारत का एक अंग है। ठीक है जी, एक अंग है। समझ में आओ तटनू? ठीक बा। आप लोग कोशिश करते रहिए। कभी कभी बीच बीच में हो सकता है मे बी कि मैं अपने टोन यूज़ करता हूँ, क्योंकि भैया हमारा वो मातृभाषा है। हम कितना भी दूर चले जाएं, कहीं पे लग जाएं, लेकिन जो एक मातृभाषा होती है वो चेंज नहीं होती है, है ना। मातृभाषा को बचाए रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो यह योजना भी आत्मनिर्भर भारत का एक अंग है। ठीक है, इस योजना पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस योजना पर कुल कितना जी? 20,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। यानी मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 20,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और है कि यह जो योजना है वो कैसी योजना है, ये किस योजना के तहत आएगा। मैंने समझाया ना आपको, गवर्नमेंट कोर स्कीम। तो यह जो स्कीम है ये गवर्नमेंट कोर स्कीम है। कौन सी स्कीम है जी, किस स्कीम के तहत आती है? गवर्नमेंट कोर स्कीम के तहत। यानी इसमें जो होगा हिस्सेदार वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों होगा। ठीक है। और यह योजना कितने साल के लिए है? तो 2020-21 से लेकर के 2020-21 से लेकर 2024-25, यानी 5 वर्षीय यह योजना है फिलहाल। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने राज्य सम्मिलित हैं? अभी फिलहाल वर्तमान में 29 राज्यों को जोड़ा गया है इस योजना के तहत। ठीक है, इस योजना के तहत कुल 25 राज्यों को ही जोड़ा गया है अभी तक, है ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो सतत विकास के साथ साथ, यानी जितना भी रोजगार सृजन हो। योजनाएं होती क्यों हैं? हमारे लिए तो होती हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन क्यों किया जाता है सरकार द्वारा? इसलिए किया जाता है भैया हमें रोजगार मिले, हमारे जो कार्य हैं वो कम से कम हमारा खर्च हो, हम उस कार्य का लाभ ले सकें। इसीलिए तो योजनाएँ निकाली जाती है ना। तो इस योजना के तहत क्या है? रोजगार का सृजन करना। इसके तहत भी रोजगार होंगे, जितने भी मत्स्य पालन करने वाले हैं उनको बेनिफिट होगा, उनको फ़ायदा होगा, है ना। उनको लोन मिलेगा, लोन के तहत वो अपने रोजगार को करेंगे, अपने रोजगार को एक्सटेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, है ना। तो ये 5 वर्ष के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात किए कि इस योजना को कब शुरुआत किया गया? सितंबर में किया गया। सितंबर 2020 में किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। योजना आत्मनिर्भर भारत का एक अंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की जा रही है? तो 20,000 करोड़ रुपये आवंटित की जा रही है। कितने वर्ष की योजना है? तो यह कुल 5 वर्षों की योजना है, है ना। यह कैसी योजना है? यह गवर्नमेंट कोर स्कीम की योजना है। इतनी इंपॉर्टेंट है ना सतत। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा वो ये है कि सतत विकास हो, रोजगार में वृद्धि हो, है ना, रोजगार मिले लोगों को, और उसके साथ साथ नीली क्रांति लाना। नीली क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में, नीली क्रांति किससे संबंधित है जी? तो मत्स्य से, यानी मछली पालन से,
है ना। नीली क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मछली पालन के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गया। इस योजना से किसानों को कितने लाख किसानों को फायदा होगा, तो याद रखिएगा 55 लाख, अभी फिलहाल 55 लाख किसानों को इस योजना के तहत फायदा होने वाला है, 55 लाख किसानों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है, तो फिशर्स डिपार्टमेंट है ना। इसका क्रियान्वयन कौन करता है, क्रियान्वयन कौन करता है जी, तो फिशर्स डिपार्टमेंट, FISHER, फिशर्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी, डिपार्टमेंट समझ में आ रहा है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सुकन्या, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इस योजना की शुरुआत कब हुई ये बताइए आप लोग, 22 जनवरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट योजना है, ये योजना बार बार पूछी जा रही है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कराना उचित समझा, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब हुई, 22 जनवरी 2015 को किसने किया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना कहाँ से शुरू की गई, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हरियाणा पानीपत से। ठीक है जी, हरियाणा पानीपत से। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, कहाँ से की गई, हरियाणा पानीपत से, है ना। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, आप चीज़ें करते चलें। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही भाग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी लड़कियों को बचाना है और पढ़ाना है। लड़कियां आज के डेट में, खासकर हमारे बिहार में भी, लड़कियों का दिन प्रतिदिन, मतलब हर फील्ड में उनकी मांग बढ़ती जा रही है। हमारे बिहार में भी शायद इनको 33% आरक्षण दिया गया है, वो इसलिए नहीं कि भाई बेटी है इसको 33% आरक्षण दे दो, इसलिए दिया गया है कि मैन और वुमेन दोनों का जो रेशियो है उसको बराबर में लाया जा सके, बेटियां भी पढ़ें, बेटियां भी आगे बढ़ें, किसी की भी बेटी हो वो आगे बढ़े, है ना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इस योजना में का सबसे खास बात देखो आप लोग, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए चीज़ों को, कि ये योजना में क्या क्या है, कैसे क्या किया जा सकता है। अगर आपकी शादी हो गई है क्या आप लोगों की, अगर जिनकी नहीं हुई है, अगर जिनकी हो गई है, बहुत सारे हमारे छात्र होंगे जो जॉब में होंगे, क्योंकि BPSC का प्रिपरेशन, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई होंगी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो लोग अभी शादी नहीं किए हों, इंतज़ार में हैं कि जॉब लग जाए तो उसके बाद शादी करेंगे। ठीक है, तो जॉब लगने के बाद ही करो, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ फिर शादी करो तो अच्छी बात है ना। तो अगर आपकी शादी हो गई और आपके घर में बेटियां है, अगर आपके घर में बेटी है, तो इस योजना का फ़ायदा आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्कीम है, इस स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बेटी का क्या है इस योजना के तहत, बात समझिएगा पहले, कि 10 साल से कम उम्र के, 10 साल से
कम उम्र के बच्चे इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। यानी जो बेटियां होंगी वो 10 साल से कम उम्र की होंगी, उनका क्या होगा, इस समृद्धि योजना में एक खाता होगा, यानी एक परिवार में दो बेटियां ही इस योजना का लाभ ले सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है कि भैया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने बच्चे या बच्चियां को फायदा ले सकते हैं एक ही परिवार के, तो केवल एक ही परिवार के दो बेटियों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत जो उम्र सीमा रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 10 साल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना का जो मेन खास बात है ना, इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में जो ब्याज दर है ना वो और सब की अपेक्षा, यानी बैंक भी आपको ब्याज दर देती है आपके मनी पर, और इसकी जो मिनिमम जो राशि है वो है 250 रुपये। यानी 250 रुपये से आप अकाउंट में अपने पैसे को अपने बिटिया के नाम पर 15 वर्ष तक, याद रखिए कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक पैसा जमा कर सकते हैं, और अधिकतम जो सीमा है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपये। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपये उसकी अधिकतम सीमा है, और मिनिमम कितने हम पैसे जमा कर सकते हैं, तो 250 रुपये। यानी 250 रुपये में आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जुड़ सकते हैं, और इस योजना को 15 साल तक रुपये जमा करना पड़ता है, और मैच्योरिटी के बाद जब 15 साल इस योजना के तहत पैसे जमा होते रहेंगे, तो जब मैच्योरिटी पूरा हो जाएगी तो आप 21 साल के बाद अपने पैसे को एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस योजना की खास बात है। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है केंद्र सरकार की याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। यह योजना सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना कहलाती है। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी रिमोट एरियाज में जो बच्चे रहते हैं उनको इस सेशंस का फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों याद रखिए, नेक्स्ट जब भी मैं आऊँगा आपको भारत सरकार की योजनाएं, मैं कोशिश करूँगा कि जब अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो उसमें 1 से 2 क्लासेस के अंतर्गत, मैं 1 या 2 क्लासेस के अंतर्गत एक टॉपिक को लेकर के चलूँ और उसको ख़त्म करता चलूँ। और उसके बाद आपको टेलीग्राम पर इसका PDF डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर उसे पढ़ें। इसका नोट्स आज डाल दिया जाएगा, उसे आप पढ़ें। पढ़ने के बाद कल मॉर्निंग में टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम में जितना मैंने पढ़ाया है आप देखना, उसी के अंदर से मैं खुद ही क्वेश्चंस उसको बनाता हूँ। वो क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छा लगेंगे, प्लीज़ आप टेस्ट दीजिए। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो लोगिन, कहे कि अगर तह लो ना करब लोगिन तो बिहार में हम लोगों के जानी के, ठीक बा। ठीक है, तो इसी वाणी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।